हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटर क्रेज में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में, जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन। इंडियन मार्केट की सबसे सेफेस्ट कार माना जाता है टाटा नेक्सॉन को। ग्लोबल एनकॉप क्रैश टेस्ट में टाटा नेक्सॉन को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि इंडियन मार्केट की किसी भी कार को आज तक नहीं मिली है। और ये कुछ इस तरीके की की मिलती है आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर, जिसमें कि ये फॉलो मी लाइट्स, ये बूट खोलने के लिए, और ये लॉक अनलॉक के ऑप्शंस मिलते हैं। ये एग्जेड प्लस डीजल ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं अभी, इसमें पेट्रोल का भी ऑप्शन है और मैनुअल का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। टाटा नेक्सॉन के अंदर तकरीबन 4 वेरिएंट्स आते हैं, XE, XM, XT और ये एग्जेड प्लस टॉप मॉडल आप अभी देख रहे हैं। 8 लाख से शुरू होती है और 13 लाख का इसका टॉप मॉडल आता है। और ये सामने की तरफ ये प्रोजेक्टर लाइट्स दिए गए हैं, ये DRLs कुछ इस तरीके के दिखते हैं, HID प्रोजेक्टर लाइट्स है सामने की तरफ। और ये नीचे क्रोम फिनिश के अंदर ये फॉग लाइट्स दिए हुए हैं। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं फ्रंट की ग्रिल। तो आइए इसका बोनेट खोलते हैं। तो ये है रिवोट्रॉन 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन, 108 bhp की हॉर्स पावर है, 260 nm का टॉर्क है, 21 का एवरेज मिलता है आपको नेक्सॉन के अंदर, 180 की टॉप स्पीड है, पेट्रोल का भी आपको ऑप्शन मिलता है नेक्सॉन के अंदर ऑटोमेटिक के साथ। 2 साल और 75,000 किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलती है आपको टाटा नेक्सॉन के ऊपर। और यहाँ पर ये 16 इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स है, ये सिल्वर और ब्लैक कलर फिनिश के अंदर। और ये कुछ इस तरीके के वाइपर्स है, डुअल टोन रूफ है नेक्सॉन के अंदर सिल्वर फिनिश में। ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट ओवर वी एम से टर्न इंडिकेटर्स के साथ। सेफ्टी फीचर्स में नेक्सॉन के अंदर क्रैश सेंसर, इंजन मोबिलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, ABS, ABD और 2 एयरबैग्स आते हैं। 44 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है टाटा नेक्सॉन के अंदर। और ये सिल्वर कलर में रूफ रेल्स। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं पीछे की तरफ से। दो सौ नौ मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा नेक्सॉन का। और ये वाइपर्स पीछे की तरफ, ये ब्लैक कलर में शार्क फिन, इस तरफ ये नेक्सॉन का लोगो, यहाँ पर ये टेल लाइट DRLs के साथ, नेक्सॉन का बैजिंग है यहाँ पर, ये XZ ऑटोमेटिक प्लस की बैजिंग इस तरफ। और यहाँ से खोलेंगे बूट, यहाँ पर ये रिवर्स कैमरा, और ये बूट के अंदर यहाँ पर ये लाइट्स दी गई है इस तरफ। 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको नेक्सॉन के अंदर। और यहाँ पर ये ट्रे के नीचे इस तरफ स्पेयर व्हील और टूल किट्स मिलती है आपको। और ये डोर्स पर ब्लैक क्लैडिंग्स दी गई है स्क्रैचेस से बचने के लिए। और ये पैसेंजर साइड डोर, बॉडी कलर में डोर हैंडल से। और ये कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर, यहाँ पर ये ट्विटर दिया हुआ है सिल्वर क्रोम फिनिश के अंदर, ये डोर हैंडल से। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये स्पीकर, और ये कुछ ऐसे दिखते पीछे की कैबिन। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है नेक्सॉन के अंदर, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस भी मिलता है आपको। और ये पीछे की तरफ ये थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है आपको, ये पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट भी मिलता है। और ये
आर्मरेस्ट, इसके अंदर दो कप होल्डर्स भी दिए हुए हैं। और ये हैंडल्स, और ये कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है सामने की तरफ, ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर डैशबोर्ड में फिनिश मिलती है आपको। और पीछे के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ये एसी वेंट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन या ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं आप इसे। और ये काफ़ी अच्छी स्पेस भी मिलती है आपको नेक्सॉन के अंदर। तो चलते हैं ड्राइवर सीट पर। और ये ड्राइवर साइड डोर पर यहाँ पर किलेस एंट्री मिलती है आपको। और ये ड्राइवर साइड डोर यहाँ पर ये मिरर्स के एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स मिलते हैं, सिल्वर फिनिश है डोर के अंदर। यहाँ पर ये अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है आपको डोर के ऊपर। और ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स है, यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से। और कुछ ऐसे दिखते हैं फ्रंट के सीट्स, यहाँ पर ड्राइवर के लिए हाइट एडजस्ट करने के लिए भी मिलता है आपको। तो आइए इसे ऑन करके देखते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करके देखते हैं अभी। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग स्पीडमीटर्स के साथ जो कि दिखाता है आरपीएम, स्पीड, टेम्परेचर, लो फ्यूल लेवल, फ्यूल डिस्टेंस और माइलेज जैसे काफ़ी सारे फीचर्स। और ये स्टेयरिंग पर भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स, फ़ोन उठाने के और काटने के कंट्रोल्स, और ये हॉर्न, इस तरफ ये वॉइस कमांड्स के कंट्रोल मिलते हैं आपको, ये वाइपर्स के कंट्रोल, और ये इस तरफ लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं आपको, हेडलाइट्स के कंट्रोल्स। और ये हरमन कार्डन का 6.5 फ्लोटिंग डैश टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है आपको नेक्सॉन के अंदर। चार स्पीकर है और चार ट्विटर्स आते हैं, कनेक्ट नेक्स्ट, वॉइस कमांड, व्हाट्सएप मैसेज रीड आउट एंड रिप्लाई, एंड्रॉयड ऑटो और ब्लूटूथ जैसे काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं आप यहाँ से। पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, हेडलाइट्स के कंट्रोल, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है। ये 12V का चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पर आईपॉड और ऑक्स के कंट्रोल्स मिलते हैं आपको इसमें। ये मोड्स मिलते हैं आपको सिटी, इको और स्पोर्ट्स, आप अपने हिसाब से इसे चला सकते हैं जहाँ पर भी चलाना हो सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड में। ये हैंड ब्रेक और ये हैंड रेस्ट, इसके नीचे भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। और ये इस तरफ पैसेंजर साइड वेनेटी मिरर, ये लाइट्स के कंट्रोल्स, यहाँ पर ये सनग्लास होल्डर और ये माइक, इस तरफ ये ड्राइवर साइड वेनेटी। तो कैसे लगे दोस्तों आपको टाटा नेक्सॉन, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।